हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग विद मनीज में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पिस्ता कुकीज़। हम इनको एगलेस बनाएंगे। एग का यूज़ हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बिना एग के भी ये कुकीज़ बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप इन कुकीज़ को बनाकर 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये कुकीज़ बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये कुकीज़। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिस्ता कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 1/4 कप मैदा, 1/4 कप बेसन, आधा कप घी, आधा कप पाउडर शुगर, बारीक कटा हुआ पिस्ता, 1 TSP बेकिंग सोडा और 1/2 TSP बेकिंग पाउडर। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, बड़ा बाउल लेंगे। उसमें हम आधा कप घी लेंगे। घी हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और हमारा एकदम लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा जमा हुआ घी होना चाहिए। इसमें हम जितना हमने घी लिया है आधा कप, उतना ही हम डालेंगे इसमें पाउडर शुगर और उनको विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है, उसको हमें बीट करना है। तो ये हमारा जो घी और पाउडर शुगर का जो मिक्सचर है, ये हमारा थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। पहले इसका कलर थोड़ा येलोइश था, अभी एकदम थोड़ा वाइट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये लगभग हमारा बीट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिस्ता एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर पिस्ता एसेंस आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इससे हमारा थोड़ा सा कलर भी इसका आ जाएगा। इसमें हम अलग से कोई एक्स्ट्रा कलर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा हमने लिया है 1 1/4 कप। मैदा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन हमने लिया है 1/4 कप। दोनों को डाल लेना है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। पिस्ता मैं डालूँगी लगभग 1 टेबल स्पून के करीब। इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड कर सकती है, आप कम ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब को डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसको पहले विस्कर की हेल्प से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हमें हाथ से मिक्स करना है। अभी आपको बहुत ड्राई लग रहा होगा, लेकिन ये इतने में हमारा बहुत अच्छे से ये हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा हाथ की हेल्प से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको एकदम बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से ही इसको मिक्स करना है। धीरे धीरे करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम डो फॉर्म में इसको ले आएंगे। ये हमारा डो फॉर्म में लगभग आने लगा है। ये हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको हाथ से इसी तरीके से हम इसका डो बनाएंगे और हाथ से कुकीज़ बनाकर देखेंगे कि ये सेट हो रही है तो ये हमारा रेडी है। अगर आपकी कुकी ऐसे सेट नहीं होती है, वो बिखर रही है, तो आप उसमें 1 टेबल स्पून के करीब आप उसमें हल्का सा ल्यूकवार्म मिल्क ऐड कर लें। अब हम हाथ से ही, मैं इसकी कुकीज़ कोई कुकी कटर से नहीं बनाऊंगी, हाथ से ही कुकीज़ को शेप दे के बनाऊंगी। थोड़े से मैंने इसको लंबी शेप में बनाया है और सेम साइज़ की ही मैंने कुकीज़ लगभग बनाने की कोशिश की है। सब में मैंने बराबर डो लेकर हाथ से इसी तरीके से हम इसको बनाते रहेंगे। सारी कुकीज़ को बनाकर हम ऐसे ही तैयार कर लेना है। इसकी बनाते हुए इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह की कुकीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है। सारी कुकीज़ मैंने बनाकर रेडी कर लिए कुकी ट्रे में और नीचे बटर पेपर मैंने लगाया है। अब इस पे हम कुकी कटर से थोड़ा सा कट लगाएंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर से कट लगा सकते हैं। अगर कुकी कटर नहीं है तो आप स्पून से भी इस तरह का मार्क बना सकते हैं। इसके ऊपर स्पून से भी आराम से मार्क बन जाएगा। सारी कुकीज़ पर इस तरीके से कट लगाने के बाद सेंटर में मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पिस्ता। पिस्ता को एकदम बारीक बारीक काट लिया है और लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ से उसको प्रेस कर देना है, जिससे कि पिस्ता हमारा कुकीज़ पर सेट हो जाए, बेक होने के बाद पिस्ता ना गिरे कुकीज़ से। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके सारी कुकीज़ पर पिस्ता लगा देंगे और कुकीज़ हमारी बेक होने के लिए रेडी है। और हम इसको प्री हीट 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन पर 150 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे।
जब तक ये कुकीज़ हमारी बेक होती हैं तो हम दूसरी कुकीज़ भी बना कर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारी कुकीज़ बना लिया है और कुकी कटर की हेल्प से उसी तरीके से हम इन पे कट देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कुकी कटर नहीं है तो आप स्पून से भी दे सकते हैं। सारी कुकीज़ पर मार्क बनाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सारी कुकीज़ पर पिस्ता लगाएंगे। सेंटर में लगाना है, थोड़ा हाथ से हमें इससे प्रेस कर देना है जिससे पिस्ता हमारा सेट हो जाए। इस तरीके से कुकीज़ बनाते हैं। खाने में तो टेस्टी होती ही है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है ये कुकीज़। और ये कुकीज़ हमारी रेडी है। जब तक हमने इनको बनाया था हमारी दूसरी कुकीज़ भी बेक हो चुकी थी। बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।